Hello, people. Welcome to the session. I'm Rajita Sarsi. We got with the geology master teacher. I hope सब मस्त चल रहा होगा, स्वस्थ चल रहा होगा, सब बढ़िया होंगे आप आपके घर में. Everything would be fine. चले guys, so अब बात करते हैं top 10 short answer questions of is matter around us is pure. SAQs का मतलब है short answer questions. बोले तो जो आपके 2 marks के अंदर आते हैं या फिर 5 mark का question भी आता है तो उसके अंदर these type of questions can come in sub parts. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग को directly बोल दिया कि explain so and so concept 5 marks. इस तरह के direct questions अब आप लोगों के paper में नहीं आते हैं. सो 5 mark का क्वेश्चन हुआ या 4 mark का क्वेश्चन हुआ तो उसको वो लोग सब पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड सब पार्ट्स के अंदर भी यही क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं. सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी लॉन्ग आंसर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू सॉल्व सम केमिकल लोचा ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. आर यू रेडी? चलिए गाइस, बट उससे पहले एक बार रिडल सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस रिडल. व्हाट कैन यू होल्ड इन योर राइट हैंड बट नेवर इन योर लेफ्ट हैंड? सोचते रह जाओगे, सोचो सोचो एंड डू लेट मी नो द आंसर्स इन द चैट बॉक्स अगर आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये क्या है, क्योंकि मुझे इसका आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लगा था. सो मे बी You're smart, yeah, and you can find the answer. All right, guys. So let's start and let's solve some chemical lecture. Why is the mixture called as impure substance? हम लोग mixture को impure substance में क्यों consider करते हैं? तो देखो आप लोग NCERT में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग the first paragraph of your NCERT, which is rightly said. कि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम लोग देखते हैं प्योर घी, प्योर शुगर, प्योर दाल, है ना, जो प्योर है इसका मतलब होता है कि एडल्ट्रेशन नहीं है. बट अगर हम केमिस्ट्री की नज़र से देखें, एक साइंटिस्ट की नज़र से देखें, तो उनका कहना है कि जितनी भी चीज़ें हम आसपास खरीदते हैं या देखते हैं वो एक्चुअली इम्प्योर है, उनके लिए वो मिक्सचर्स है. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ किसी भी सब्सटेंस लाइक घी, तो घी के अंदर कोई तो केमिकल और सब्सटेंस होगा, isn't it? तो और maybe in the sense कि if you are having a juice, तो आपको बोलेगा pure juice का pack है, but उस juice के अंदर sugar भी होगा, fruits भी होंगे, essence भी होंगे, and some other chemicals also, preservatives भी हो सकते हैं. So that is not considered to be as a pure substance anymore. वो आपके लिए mixture है. तो mixture को impure substance बोला है, but impure का मतलब ये नहीं है कि it cannot be consumed. It may or may not be consumed वाली बात है. तो it's not like literal impure impure, but pure substance का उल्टा है, so it's impure. And mixtures इनमें इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक या दो या ज्यादा substances, elements या compounds का addition होता है, mixture होता है. So that is why we call them as mixtures. जैसे कि sugar and water. So sugar is mixed with water. Salt mixed with water. और हल्दीराम की mixture नमकीन और any mixture नमकीन. Cereals into milk. ये सब mixtures की category में आते हैं, whether they are homogeneous or heterogeneous. तो अगर elements and compounds mix कर दिए जाते हैं in any proportion, they are impure substance. They are not प्योर, क्योंकि प्योर का मतलब होता है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मिक्सचर्स हम लोग, जैसे कि मैंने नमकीन का एक एग्जांपल लिया, तो नमकीन के अंदर आप अलग अलग चीजें डालते हो, बट ऐसा तो है नहीं ना कि सबका टेस्ट आपस में मिक्स हो जाता है. नो, सबका अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, सबके अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं. So that's how mixtures work and can easily be separated by a physical process, and hence we call them as pure, impure substance, which are mixtures. All right? Okay, ji. Now on that positive note, moving on to our next question. What is the difference between fog and smoke? This is very important and repeated question of your papers. Fog and smoke, dono hi aerosol ka part hai. है ना, तो दे आर बोथ वन ऑफ द टाइप ऑफ कोलॉइड्स. ये दोनों कोलॉइड्स हैं. कोलॉइड्स बोले तो दे सीम्स टू बी होमोजेनियस, बट एक्चुअली में ये हेटरोजेनियस होते हैं. एंड कोलॉइड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम.
दोनों ही एरोसॉल का पार्ट है, मतलब इनके अंदर डिस्पर्शन मीडियम एक जैसा है, बट डिस्पर्स्ड फेस के नाम पे ये दोनों अलग हो जाते हैं. सो एज इन केस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, फॉग एंड स्मोक दोनों के अंदर लार्ज क्वांटिटी में गैस होता है, वेयर एज अगर हम बात करते हैं फॉग की, तो फॉग इज अ सोल्यूशन with liquid and dispersed in gas. So gas is a dispersion medium here, whereas liquid is dispersed phase in fog. ऐसे ही अगर हम स्मोक की बात करते हैं, तो स्मोक के केस में जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम इज अ गैस. तो यही एक डिफरेंस है. डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिस्पर्स्ड फेज पर डिफरेंस आता है, वेराज डिस्पर्शन मीडियम इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम. इसीलिए ये दोनों एरोसॉल की कैटेगरी में आते हैं. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 220 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन के आपने कुछ मेथड्स पढ़े हैं, वेट बाय वेट, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इजंट इट? अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास यूनिट्स क्या है. आपको तो उसने सीधा बोल दिया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नाउ इन सच केसेस, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑलवेज चेक्ड बाय स्टेप वाइज बेसिस, जैसे कि आप लोग के मैथ्स के क्वेश्चन चेक होते हैं, दे गिव यू स्टेप वाइज मार्किंग. तो यहाँ पे भी स्टेप वाइज मार्किंग है. आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि वॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? फिर आप सेकेंडली बताएंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो. थर्ड आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, एंड लास्टली यू विल गोइंग टू गिव योर आंसर्स. क्लियर है बॉस? ओके, सो यहाँ पे दोनों ग्राम्स में है, तो हम लोग मास बाय मास का मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मास बाय मास परसेंटेज बोले तो कितना मास हम सॉल्यूट का डाले इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट दिया है. अब सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, NaCl केसिल, दैट कुड बी एनीथिंग. अब सॉल्ट कॉमन सॉल्ट है कि कौन सा सॉल्ट है हमें नहीं पता है, बट व्हाट वी नो इज सॉल्ट व्हिच इज गिवन एज 20 ग्राम्स इज एक्चुअली आवर सॉल्यूट. और आपको सॉल्यूशन दे दिया है डायरेक्टली, सो सॉल्यूशन इज गिवन टू यू एज 220 ग्राम. सो यहाँ पे आपको ज्यादा एडिशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो व्हाट वी कैन डू, सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली, सॉल्यूट का वैल्यू लगाओ 20, सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली फीड करा है विच इज 220 इन 200. कैलकुलेट एंड यू विल गेट योर आंसर, बट यूनिट लिखना भी जरूरी है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स. सो फॉर दिस यू विल गोइंग टू गेट 9.09%. क्लियर है बस? सब चंगा? ऑल गुड? ऑलराइट, ऑन दैट नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. हाउ कैन वी कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड बाय हीटिंग? सो बेसिकली आप लोग ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अलग अलग टर्म्स पढ़े हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड बोले तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना? तो हम उसे सैचुरेटेड कहते थे. अनसैचुरेटेड जब तक आप डिसॉल्व करते जा रहे हो, जब तक आप सॉल्यूट डाल रहे हो, वो डिसॉल्व होता जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास 100 ml वाटर है और मैंने इसमें एक स्पून शुगर डाला और वो डिसॉल्व हो गया. ऐसे ही मैंने उस 100 ml वाटर के अंदर 2 स्पून शुगर डाला, वो फिर से डिसॉल्व हो गया. बट जैसे ही 3rd spoon डाला इन 100 ml ऑफ वाटर, उसने बोल दिया कि बस भाई अब मुझसे ना हो पाएगा, अब मैं और डिसॉल्व नहीं कर सकता. ये पॉइंट व्हेन इट स्टॉप डिसॉल्विंग, ये पॉइंट होता है जब हम उसे सैचुरेटेड कहते हैं. नॉर्मल नॉर्मल वोकैबुलरी में भी आप लोग ऐसे शब्दों का यूज करते हो, आई एम सो सैचुरेटेड, आई कांट लर्न एनीथिंग, अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करेंगे. ऐसा होता है ना, आई एम सैचुरेटेड, माय ब्रेन इज सैचुरेटेड. तो बस वही है सॉल्यूशन के साथ भी. सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जहां पर डिसॉल्यूशन बंद हो गया वहां से वापस डिसॉल्व होने तक के कैटेगरी पर हम वापस कैसे जा सकते हैं. तो देखो, या तो आप इसको हीट कर दो, व्हाट यू कैन डू इज हीट इट, दैट्स वन वे.
हीट करते ही आपका सारा सोल्यूट पर गेट डिसॉल्व, और आप जितना और सोल्यूट डालते जाओगे वो डिसॉल्व होता जाएगा. सो दैट कम्स टू दैट सिचुएशन ऑफ डिसॉल्विंग सोल्यूट जितना डालते जाओगे, हीट कर दो. दूसरा क्या कर सकते हो, यू कैन एड मोर सॉल्वेंट. ये तो सबसे आसान चीज है. अगर सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा हो गया है, वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहे, तो पानी और डाल दो, अपने आप डिसॉल्व होने लग जाएगा. सो देर आर वेरियस वेज बाय विच यू कैन कन्वर्ट सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड. सो व्हाट यू कैन डू इज बाय हीटिंग और बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट. और इन शब्दों को अंडरलाइन करके आना, बिकॉज दीज आर योर की वर्ड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑलराइट गाइस, इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. जो आपको डेटा दिया गया है, दैट इज 16 ग्राम एनएसीएल इन 100 ग्राम्स वाटर, 36 ग्राम्स ऑफ एनएसीएल इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. और आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनएसीएल इज 36 ग्राम्स. सो इसका मतलब जो हमारा पहला सिचुएशन है, वहां पे सल्यूट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट, नॉर्मल एट अ गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे 16 ग्राम NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, बोले तो ये अभी अनसैचुरेटेड कंडीशन में है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 36 ग्राम, मतलब इसके बाद नहीं हो पाएगा. 36 ग्राम इज द लास्ट लिमिट, जब ये इसके आगे नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर. इसका मतलब जो आपका सेकेंड केस है वो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुका है. राइट, सो लेस अमाउंट ऑफ NaCl इज एडेड देन 36, तो तब तक वो अनसैचुरेटेड रहेगा. बी इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, क्योंकि वहां पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ NaCl डिजोल्व हो चुका है. तो 16 ग्राम जब डिसॉल्व करा तो अनसैचुरेटेड, तुमने 17 ग्राम करा, जब तक तुम 36 ग्राम तक नहीं पहुंचते वो अनसैचुरेटेड रहेगा. और उसके बाद भाई लिमिट आ जाएगी, इस ये सफिशिएंट अमाउंट है, इसके ऊपर तुमने 1 ग्राम भी और डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. क्या रे बॉस, क्या 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 चांदे फट्टे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो देखो, सिंपल से एग्जाम्पल्स उठाओ और उन्हीं एग्जाम्पल्स को रखते हुए आप अपनी लैंग्वेज में इस आंसर को लिख सकते हो. फिजिकल चेंज बोले तो जब वाटर में आइस मेल्ट होता है या फिर पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो पानी विल रिमेन पानी, लाइक H2O विल रिमेन H2O. अगर वो आइस फॉर्म में है या वो लिक्विड फॉर्म में है या वो गैसेस फॉर्म में, तो H2O तो H2O ही रहेगा ना बॉस. केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, तो फिजिकल चेंज मतलब कोई अगर नया सब्सटेंस नहीं बनता, दैट्स अ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज बोले तो घोर केमिकल लोचा, जहां पर कई सारे केमिकल चेंजेस होने के बाद नए सब्सटेंस आते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर. जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना रहा है ना, तो पानी का प्रॉपर्टी इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम H2NO2. तो यहाँ पे तो केमिकल चेंज हुआ, isn't it? So chemical change is a formation of a new substance, whereas physical change is the no new substance form. आप लोगों के NCERT में physical and chemical changes के नाम पे ये तक दिया हुआ है कि that physical changes are reversible and chemical changes are irreversible. So भाई और बहनों, ये point मोस्टली काम आता है, लेकिन आप इसको एकदम आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते. ध्यान से सुनो, कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, एंड दे आर सॉरी विच कैन नॉट बी रिवर्स. तो इररिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, काइंड ऑफ परमानेंट. तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. वंस अ ग्लास इज ब्रोकन, आप उसको वापस उसके ओरिजिनल कंडीशन पे नहीं ला सकते हो एट होम नॉर्मली, है ना. तो दैट्स अ फिजिकल चेंज, बट इट इज इरिवर्सिबल. सिमिलरली इफ आई टेयर अ पेपर, पेपर टेयर करने के बाद तुम वापस उसको नहीं जोड़ सकते हो, मेक इट ओरिजिनल. सो अगेन, दैट इज समथिंग विच इज अ फिजिकल चेंज, बट इट्स इरिवर्सिबल. ऐसे ही केमिकल चेंजेस के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिवर्सिबल हो सकते हैं. तो आपको इनफैक्ट ये वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है, ये रिवर्सिबल हो सकता है,
There are many more examples which are reversible chemical changes. तो आपको जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए वो आप लिखो, जब भी आपसे डिफरेंशिएट करने को बोलता है आप वो लिख कर आओ, बट डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो देम, क्योंकि बाद में जाके फिर आपको कंफ्यूजन होगा, अरे हमें तो यही बताया गया था कि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, बट यहाँ तो रिवर्सिबल भी है ना, तो वो कन्फ्यूजन ना, इसके लिए मैंने आपको यहीं पर ये बात को क्लियर कर दिया है. So, physical change, no new substance formed, whereas in case of chemical change, a new substance is created. Physical change is reversible, mostly, and irreversible chemical changes. Jitne bhi aapki physical changes hain, unme properties of constituents will be same. Pani H2O will remain H2O, chahe wo solid state mein ho, ya liquid state mein ho, ya gaseous state mein ho. In fact, agar main apne baal katwa doon, to kya hoga? Kya mere curly hair straight ho jayenge? Or आपकी स्ट्रेट हेयर्स कर्ली हो जाएंगे? नहीं ना, तो हमारा जो प्रॉपर्टी है बालों का वो सेम रहेगा, इवन दो इफ आई गेट इट चॉप्ड एंड गेट अ मेकओवर. सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेम और रिटेन. केमिकल चेंजेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नया सब्सटेंस बनाया विच इज वाटर, बट वाटर का प्रॉपर्टी उसके इनिशियल वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे वो बना है उससे काफी अलग प्रॉपर्टीज रखता है. फिजिकल चेंजेस अगेन, ओके दैट्स अ रिपीटेड वन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. सो स्टार्टिंग अप विद अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट कि मिक्सचर्स जो है वो इम्प्योर की कैटेगरी में आते हैं, कंपाउंड्स प्योर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? दे आर प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स इम्प्योर सब्सटेंस हैं. कंपाउंड्स के अंदर एक प्रॉपर फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, दे आर मेड विद फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जबकि मिक्सचर्स जो है इनका कॉम्पोजिशन या प्रोपोर्शन इज नॉट फिक्स्ड. फाइन, कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है, तो अगर कंपाउंड को आपको तोड़ना है, सेपरेट करने हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सो दैट टेक्निक हैज टू बी अ केमिकल मेथड. इतना आसान नहीं होता है कि आप फिजिकली चलो जी आज इसको क्रश कर दो, तोड़ दो और ये अलग हो जाएंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो सेपरेशन कैन बी डन ओनली विद सम केमिकल मेथड, वेयर एज अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो हम फिजिकल मेथड से भी इनको सेपरेट कर सकते हैं. Right? These are the major differences. So, mixture impure hota hai, compound pure substance hai. Mixtures ke andar constituents will be in a fixed ratio to form a compound, like hydrogen and oxygen will be in a ratio of 2:1. है ना, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन विल बी 1 एंड हाइड्रोजन विल बी 3. सो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है. ऐसे ही अगर मैं बात करूँ in compounds and mixtures ke andar, this is not fixed. Constituents combine in any ratio. Sorry guys, that's a mistake. In any proportion or in any ratio. जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रूट सैलड, है ना, तो फ्रूट सैलड के अंदर क्या होगा, मेरे को अगर एप्पल नहीं पसंद तो मैं एप्पल का क्वांटिटी कम रख सकती हूँ, ग्रेप्स मुझे पसंद है, ऑरेंजेस पसंद है, सो आई इंक्रीज द क्वांटिटी अकॉर्डिंगली. सो फ्रूट सैलड इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ हेटरोजेनियस मिक्सचर, और वहां पे वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शंस आराम से हो सकता है, आपकी मर्जी है भाई, जो फ्रूट्स खाने खाओ, है ना. नाउ इन केस ऑफ मिक्सचर्स दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी, एक बार आपने मिक्स कर दिए तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रेप्स का प्रॉपर्टी एप्पल में चला जाएगा, एप्पल का प्रॉपर्टी अनार में चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है. सो अपना ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज वो लोग रिटेन रखते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है. मिक्सचर्स के केस में एज आई टोल्ड यू दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, परंतु केमिकल मेथड से ही हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं. समझ लो, That's very very important. 2 से 3 mark का आपके पास एक question आता है. But ध्यान रखना कि differences हमेशा tabular form में provide करेंगे, table form में provide करेंगे, ठीक है? Okay. Next question. How can a solution be diluted or concentrated? Dilute or concentrated, ये दो आपके concentration के terms होते हैं. Dilute simple form में मैं आपको बताती हूँ, जो percentage of water बहुत ज्यादा होता है एज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो वो डाइल्यूट है.
ठीक है, अगर पानी का क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ वाटर इज लेस एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ योर सोल्यूट, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, या फिर इन सिंपल वर्ड, सोल्यूट जब भारी पड़ जाए सॉल्वेंट पे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मैंने एक ड्रॉप इंक डाला एक जार पानी के अंदर तो वो डाइल्यूट है। अब मैंने पूरी बॉटल ही डाल दी, पूरी बॉटल उठेल दी उस जार ऑफ वाटर में, तो आप सोचो कलर डिफरेंस कितना जबरदस्त होगा। तो जिसमें मैंने पूरी बॉटल डाल दी, दैट वुड बी अ डार्कर कलर, डार्कर बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड। समझ ला, ये बेसिक डिफरेंस होता है। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल गोइंग टू डिसाइड, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डाल रहे हो डिसॉल्विंग इन अ गिवन सॉल्वेंट, दैट विल डिसाइड कि सोल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा। समझ ला, फाटा फाटी। ओके, मूविंग ऑन टू योर नाइन्थ क्वेश्चन, सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेटरोजीनियस, कमेंट। ऐसे कैसे हो गया कि ये होमो भी है हेट्रो भी है? होमो बोले तो सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, हेट्रो बोले तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, जहां पर आप सेपरेट पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो हेट्रोजीनियस, आप उनको सेपरेट भी कर सकते हो, जबकि होमोजेनियस के अंदर यू कैन नॉट सेपरेट देम, इट्स काइंड ऑफ इट्स अ सॉल्यूशन वेयर पार्टिकल्स आर कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली डिसॉल्वड इनटू ईच अदर। तो सी के अंदर ऑब्वियसली सॉल्ट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्वड है, इनफैक्ट गैसेस तक पूरी तरीके से डिसॉल्व होती है। तो ये होमोजेनियस पार्ट हुआ सी वाटर का। हेट्रोजीनियस पार्ट क्या हुआ? जब उसमें रॉकी मटेरियल्स हैं और वी हैव प्लांट्स एंड एल्गीज एंड एनिमल्स, तो वो हेट्रोजीनियस के अंदर आता है। ठीक है ना? ओके, सो सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सो व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सेप्ट बाय अ मेथड कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस कहला गया। लेकिन अगर मडी वाटर, डिकेड प्लांट्स और इनके बारे में बात करें तो ये हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में डाला जा सकता है। सो सी वाटर इज काइंड ऑफ वर्सेटाइल मिक्सचर, होमो भी है हेट्रो भी है। क्योरे बॉस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, व्हाइल इन द केस ऑफ सस्पेंशन दे डू। सो भाई पार्टिकल साइज का खेल है यहाँ पे। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 to 1000? नो, इट्स ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और जबकि कोलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। अब पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो हेवी भी है, हेवी होने की वजह से वो ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है। सो दे सेटल डाउन एट द बॉटम, जबकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो होमोजेनियसली, माइक्रोस्कोपिकली होमोजेनियसली सेपरेट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, लेकिन आप उनको सेपरेट कर सकते हो एंड दे विल नॉट गोइंग टू सेटल एट द बॉटम इवन इफ यू कीप इट अनडिस्टर्ब। अब सोच के देखो कैसा लगेगा अगर हमें ब्लड सैंपल लेकर उसको छोड़ दिया, तो चलो जी अपने आप थोड़े थोड़े रखे रखे उस पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स अलग हो गए। ऐसा कभी सुना है तुम लोगों ने? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। सो कोलॉइड्स कैन नॉट सेटल डाउन, अगेन इट कम्स टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, इसकी वजह से दे एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ इफेक्ट। ऑलराइट गाइस, सो इट्स टाइम फॉर अस टू सॉल्व द रिडल, और आंसर आपके सामने, इट्स वेरी वेरी फनी। व्हाट कैन यू होल्ड इन योर राइट हैंड बट नेवर इन योर लेफ्ट हैंड? योर लेफ्ट हैंड। ऑलराइट, ओके गाइस, सो आज हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं एंड दैट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक्ड इट, सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बट होमवर्क होमवर्क होमवर्क, आइडेंटिफाई कोलॉइड्स इन ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग: पॉन्ड वाटर, फॉग, एल्यूमिनियम पेंट, विनेगर, ग्लूकोज सॉल्यूशन। आई बी वेटिंग फॉर योर होमवर्क आंसर, सो जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ व्हाट्स योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड आई विल कम एंड हैव अ लुक ऑन इट। ठीक से, ओके गाइस, तो रिवाइज करते रहना, पढ़ाई करते रहना, और पढ़ाई दूसरों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि पढ़ाई बांटने से बढ़ती है। That was it from my side, guys. This is me, Rashmi Sarsi, signing off. Thank you. Have a nice time. Take care. Stay safe. Stay happy. Always. Bye.